हेलो दोस्तों, नॉलेज फॉर हिंदी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट्सएप में इंग्लिश में कैसे बात करें। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है अगर आपके से कोई भी इंग्लिश में व्हाट्सएप में बात करना चाहता है, चैट करना चाहते हैं, अगर आपको बाई चांस इंग्लिश नहीं पता है तो आप एक शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हमें व्हाट्सएप में इंग्लिश चैट नहीं कर सकते, इसलिए आप हिंदी में उसे चैट करते हैं। तो एक ऑटोमेटिक ही आपको एक बुरा सा लगता है कि काश मुझे भी इंग्लिश पता होता, इंग्लिश चैट करना आता। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं, जानने में इंटरेस्ट है कि आप व्हाट्सएप में इंग्लिश में चैट कैसे कर सकते हैं, बल्कि वन सेटिंग करके, जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अभी तक हमारे चैनल में अगर आप नहीं हैं, इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ आप तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे मुझे बंदा एक भेजा है कि हाउ आर यू। अगर मुझे इसका मीनिंग नहीं पता है तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर प्रेस करके रखना है और ऊपर के साइड यहाँ से आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ आपको देख सकते हैं एक ऑप्शन मिल जाएगा गूगल ट्रांसलेट का, इसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपका जो भी लैंग्वेज हिंदी में है आप उसे इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा इस साइड में हिंदी लिखा हुआ है और अंग्रेजी लिखा हुआ है। अगर मेरा ये अंग्रेजी में है, इसे हिंदी में हम देखना चाहते हैं तो इसे आप यहाँ से पलट लेंगे, उसके बाद इसे आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट करेंगे वो पूछ रहा है क्या हाल है, ठीक है, क्या हाल है। अगर आप इसका जवाब देना चाहते हैं तो आप बोलेंगे मैं ठीक हूँ, तो मैं ठीक हूँ का स्पेलिंग आपको यहाँ से कर देना है। जैसे कि मैं ठीक हूँ का आपको यहाँ पे लिख देना है, मैं ठीक हूँ लिख के आपको इसे सेंड कर देना। आई एम फाइन कर दोगे तो वो आपका इंग्लिश में मैं ठीक हूँ चला गया। अगर आपके कीबोर्ड में ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप वो एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जी बोर्ड लिख के सर्च कर लेना है। जी बोर्ड लिख के सर्च करने के बाद इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड करना है, उसके बाद ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ से कुछ परमिशन देना पड़ेगा, इसे परमिशन आपको ऑन कर देना है, यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट इनपुट मेथड में आपको यहाँ पे जी बोर्ड कर देना है, सैमसंग कीबोर्ड नहीं करना है, जो आपके फ़ोन की कीबोर्ड है वो नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज में जाना है। लैंग्वेज में जाने के बाद आपको एड कीबोर्ड में जाके यहाँ से आपको जो भी लैंग्वेज चूज करना है तो कर सकते हैं। जैसे कि मैं हिंदी करूँगा तो यहाँ से हिंदी लिख के आपको सर्च कर लेना है और आपको यहाँ पे हिंदी मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है, तो हिंदी इंडिया कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मल्टीनेशनल टाइपिंग यानी इसे आपको ऑफ कर देना है, ठीक है। ऑफ करने के बाद इसे आपको डन कर देंगे। डन करने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है दोस्तों। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपने व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे आपका सेटिंग आ चुका होगा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट इस तरीके से जो भी टाइपिंग करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से।